मोदी सरकार के 4 साल की पड़ताल पर अब हमारी टीम यूपी की यात्रा करने के बाद बिहार में है। पटना होते हुए हमारी टीम 3154 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आज गया में है। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। धर्म की ध्वजा जिस शहर में लहराती रही है, उस शहर में इस वक्त हम सियासत का मूड भांपने के लिए पहुंच चुके हैं। ये वो धरती है जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये वो जमीन है जहां पर भगवान श्री रामचंद्र अपने पिता दशरथ के मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए हुए थे। मोदी के 4 साल पर ये धरती अब क्या कहती है? अपनी सरकार से वो खुश है या फिर नाखुश, ये सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले गया के लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। शाम 7 बजे की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ हम करेंगे, जिस गया में इस वक्त हम मौजूद हैं, नक्सलियों के लिए ये कुख्यात रहा है। आपको बता दें, जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से नक्सलियों की कमर टूटी है और बीते 2 दिनों में आजाद भारत का सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद 37 नक्सली मारे गए हैं। पीएम मोदी ने ठीक ही कहा था, ये मोदी है बदला लेना जानता है। तो ये मोदी है उसी भाषा में जवाब देना जानता है। हमारे जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो। निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने वाले नरपिशाच नक्सलियों के खात्मे का जश्न देख लीजिए। देश के दुश्मनों की आंख खोल देने वाली ये तस्वीर भी देख लीजिए। देश के जाबाजों ने 48 घंटे के अंदर एनकाउंटर में 37 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। पीएम मोदी ने पहले ही नक्सलियों को चेता दिया था कि मुख्य धारा में लौट आओ, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। हिंदुस्तान में जो लोग कहते हैं हिंसा के रास्ते पर गए हुए लोगों को वापस मुख्य धारा में लाने का रास्ता क्या है, कंधे पर हल वही समस्याओं का हल ला सकता है, कंधे पे गन ये समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है। देश में आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार ने नक्सलियों के नरसंहार का बदला नरसंहार से लेने की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के आतंकियों की तरह नक्सलियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है उसी भाषा में जवाब देना जानता है। हिंदुस्तान बदल चुका है। इस बयान से सरकार ने वादे और इरादे जाहिर कर दिए हैं। इसके बाद नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर घने जंगल में बसे कसनासुर गांव में नक्सलियों के आने की खबर मिली थी। जानकारी मिलते ही C-60 दस्ते और CRPF के जवानों ने इलाके की घेराबंदी की और शुरू हो गया ऑपरेशन। 12:30 बजे निकले ये जवान करीब 3:30 बजे पहुंचे नदी के किनारे। इंद्रावती नदी के उस पार थी वो जगह, वो जंगल जहां पर नक्सली छिपे हुए थे। रात के अंधेरे का सहारा लेकर नदी भी पार कर ली, जो काफी सूखी हुई थी, और दूसरी ओर उन्होंने सुबह 5:30 बजने के पहले सारे उस इलाके को घेर भी डाला था। करीब 35 माओवादी वहां पर थे। इस पूरी टीम ने उन पर 8:30 बजे फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करीब 3 घंटा चली। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर दिया है, इसकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये ऑपरेशन करने के बाद में C-60 के कमांडोज जब वापस लौट रहे थे तो
जंगल तो घना था ही, लेकिन अंधेरा हो चुका था। उतना ही नहीं तो नदी भी पार करके आनी थी और साथ में ये 16 शव लाने थे। साथ ही में ये भी ध्यान रखना था कि कहीं से बचे खुचे नक्सलियों का एम्बुश ना हो जाए। देश में जब से मोदी सरकार आई है, नक्सलियों के खिलाफ सरकार की नीति और रणनीति मारक होती जा रही है। देश में पहले 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, अब 90 जिले ही नक्सल प्रभावित बचे हैं। ताजे आंकड़े के अनुसार 44 जिले कम हुए हैं, लेकिन 8 नए जिलों में नक्सल प्रभाव बढ़ा है। अगर आप देश में नक्सली हमलों पर नजर डालें तो 2015 में 1089 हमले हुए, 101 नक्सली मारे गए। 2016 में 1048 हमले हुए, 244 नक्सली मारे गए। 2017 में 908 हमले हुए, 149 नक्सली मारे गए। 2018 में अब तक 122 हमले हुए, 53 नक्सली मारे गए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ जवानों का ऑपरेशन चला, तो उधर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के पापियों का संहार किया है। राजौरी और पुंछ सेक्टर में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 3 चौकियों को भी तबाह कर दिया गया है। कल यानी कि सोमवार को राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान के 5 सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान की 3 चौकियां जो हैं वो तबाह की हैं भारतीय सेना ने और दर्जनों लोग वहां घायल हुए हैं। हालांकि सोमवार शाम से ये फायरिंग बंद है, लेकिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि त्राल में हुए आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं और 3 आतंकी मारे गए हैं। मोदी राज में देश के दुश्मनों की अब खैर नहीं है। आतंकवाद हो या नक्सलवाद, देश के लिए नासूर बन चुके दोनों बीमारियों का मोदी ने ढंग से इलाज शुरू कर दिया है। यही हाल रहा तो ज्यादा दिन दूर नहीं जब देश के दुश्मन पानी भी नहीं मांग पाएंगे। गढ़चिरौली से सरिता कौशिक के साथ पुंछ से अजय बाचलू की रिपोर्ट। नक्सलवाद का जड़ से खात्मा होना जरूरी है। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर जल्दी से राय ले लेते हैं। आपको लग रहा है कि खड़े जाइए, 2019 में नरेंद्र मोदी को नक्सलियों पर जैसे वो लगाम लगा रहे हैं उसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार देश के लिए अभिशाप बन चुके नक्सली, समाज के लिए अभिशाप रहे नक्सलियों का, जिस प्रकार भारतीय सेना सफाया कर रहा है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ के लोग मान रहे हैं कि इसका लाभ मिलेगा। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के दुश्मन बाज नहीं आ रहे हैं। कोयम्बटूर पुलिस ने आज एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो प्रधानमंत्री मोदी को मारने की बात कर रहा था। सफेद टोपी सफेद शर्ट पहनकर पुलिस की गाड़ी में बैठे शख्स का नाम मोहम्मद रफीक है। इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रचने का आरोप है। कोयम्बटूर पुलिस की पकड़ में एक कुख्यात शख्स तब आया जब एक ऑडियो वायरल होने लगा। साल 1998 में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी। दावा है कि इस बात का खुलासा भी रफीक बातचीत में कर रहा है। साल 1998 के कोयम्बटूर बम ब्लास्ट में सजा काट चुका है। कोयम्बटूर ब्लास्ट में 58 लोगों की मौत हुई थी। रफीक को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, लेकिन इस साजिश में और कौन कौन लोग हैं इसकी जाँच हो रही है। मिशन 2019 के लिए योगी निकल चुके हैं जनता का मूड भांपने के लिए। अच्छी बात यह है कि इस दौरान वो जनता की ज्यादा सुन रहे हैं और अफसरों को सुना रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में है। सूबे में फैली लाल फीताशाही पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी ने खुद कमान संभाल ली है। स्क्रीन पर दिख रही पहली तस्वीर यूपी के प्रतापगढ़ की, जहां कल रात योगी ने चौपाल लगाकर अफसरों के सामने सरकारी योजनाओं का जायजा लिया। सत्यापन की कार्रवाई के लिए इससे पहले भी कहा गया था और इस मामले में जवाबदेही तय होगी। दूसरी तस्वीर यूपी के प्रतापगढ़ की, जहां योगी ने अपना काफिला रुकवा कर सड़क की जांच की। देखिए वो सूची है, उस सूची के अनुसार ही उसमें 119 का मिला है, 136 का इस साल मिलेगा, तो जो लाभार्थियों के उसमें सीधे उनके खाते में पैसा जाएगा। यूपी में सरकारी योजनाएं फाइलों में दबकर रह गईं या उसका फायदा आम जनता को मिल रहा है, इसी की जांच के लिए सीएम अब सीधे जनता से अफसरों के काम का हिसाब मांग रहे हैं।
सीएम योगी अब नाकारे अफसरों को बख्शने के मूड में नहीं, इसीलिए कल प्रतापगढ़ में सरकारी अस्पताल का सीएम योगी ने अचानक दौरा किया और मरीजों का हाल जाना। कब से आए हैं? डॉक्टर देख रहे हैं? मैं कल प्रतापगढ़ में था, आज सुल्तानपुर में हूँ, अभी मैं मिर्जापुर जा रहा हूँ। इस समीक्षा की जा रही है इन सब कार्यों के लिए, जिसे शासन की योजनाएं पात्र लोगों तक समयबद्ध ढंग से प्राप्त हो सके। सरकार इस मामले में पूरी संवेदनशीलता के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजना पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीएम योगी ने अपने दौरे के दौरान कल प्रतापगढ़ में एक दलित के घर खाना खाया और आने वाली 27 तारीख को अमरोहा में एक दलित के घर ठहरेंगे। योगी का ये एक्शन पब्लिक को पसंद आया तो फिर 2019 में दोबारा मोदी की वापसी तय है। राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में है, ऐसे में सवाल ये है, क्या सीता मैया दिलाएंगी 2019 की सत्ता? नीतीश कुमार ने आज जानकी जन्मभूमि के दर्शन किए और पूजा पाठ की, तो पीएम मोदी अगले महीने नेपाल के जनकपुर जाने वाले हैं, जहां सीता जी का भव्य मंदिर है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इन दोनों नेताओं के जानकी जन्मभूमि जाने के कई मायने हैं। राम मंदिर तो हर चुनाव से पहले देश में मुद्दा होता है, लेकिन मोदी सरकार में सत्ता रहने के बाद भी राम मंदिर का मामला सुलझा नहीं है। शायद इसीलिए सीता माता के मंदिर को भव्य बनाकर हिंदू वोटरों को लुभाने की तैयारी है। और अब सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग पॉलिटिकल खबरें देखिए। सोशल मीडिया पर इन तीन खबरों की आज खूब चर्चा हो रही है। पहली खबर में यूपी के सीएम रहे अखिलेश यादव साल भर पुरानी अखबार की खबर ट्वीट करके ट्रोल के शिकार हो रहे हैं। दूसरी खबर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जिनके थाईलैंड से लौटने की खबर वायरल है। तीसरी खबर बीकानेर से है, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के बेटे रवि शेखर ने फेसबुक पोस्ट के जरिए पार्टी पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने 23 अप्रैल 2017 की अखबार की रिपोर्ट ट्वीट की, जिसमें गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर योगी सरकार पर हमला किया गया, लेकिन ये अखबार की रिपोर्ट अखिलेश यादव के कार्यकाल पर तैयार की गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत निवेशकों को लुभाने थाईलैंड गए और वहां से लौटे तो देहरादून में पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष ने पोस्टर लगवाकर स्वागत किया। इसी बात पर अब उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। बीकानेर में तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के बेटे रवि के फेसबुक पोस्ट पर लिखा गया कि गजेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष ना बनाया जाए क्योंकि वो यहां के लिए फिट नहीं। सफाई में रविशेखर का कहना है कि ये पोस्ट उन्होंने नहीं की बल्कि किसी ने कर दी। वैसे दर्शकों को बता दें कि अर्जुन मेघवाल भी प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। और अब लोगों के मन की बात, गया में हम क्यों हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से खुद के लिए तालियां बजा लीजिए गया के लोग। गया इस शहर को हमने क्यों चुना है उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है गया। पिछले दो बार से यहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं। 2016 में रोड रेस में छात्र आदित्य की हत्या को लेकर चर्चा में रहा था गया। हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी इसी जिले के रहने वाले हैं। 2014 में वो तीसरे नंबर पर रहे थे। कल ही यहाँ के सांसद के बेटे को शराब के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। तो ये है यहाँ का मिजाज, लेकिन अब वक्त हो चला है यहाँ की जनता के मन की बात का, और इसी वजह से सबसे पहले मैं मंच पर जानना चाहूंगी, और यहाँ पर जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका तारुफ आपसे मैं करवा देती हूँ। आपको बता दें बीजेपी कांग्रेस आरजेडी और साथ ही जेडीयू की ओर से भी तमाम नेता यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले लोगों के रिएक्शन ले लेते हैं। ये बताइए मोदी जी के चेहरे के साथ आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? खड़े हो जाइए। 2000 जब मोदी जी पहला चुनाव लड़ रहे थे तो गांधी मैदान में एबीपी न्यूज का वहाँ ये लगा था। उस समय हम तो इसलिए वहाँ से लेकर आगे आज भी उस समय हम बोले वहाँ से लेकर आगे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका परिचय जल्दी से आपसे इससे करवा देती हूँ। जेडीयू से चंदन कुमार यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, भाजपा से धनराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी से सतीश कुमार दास हैं, और कांग्रेस से चैतन्य पालित जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी बीजेपी के बाद, ये बताइए 4 साल मोदी सरकार के क्या किया गया है गया में?
खास करके गया में या पूरे देश में और खास करके बिहार में, मैं ये साफ साफ बतला देना चाहता हूँ कि जो चार साल में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, शायद 70 साल में जो दल ने सरकार केंद्र में बनाई वो नहीं किया। 70 साल में उस दल ने कुछ नहीं किया मोदी जी ने, जो 4 सालों में किया है। आरजेडी का पक्ष, 4 साल मोदी सरकार, देश के युवा नौजवान किसानों का बुरा हाल। आज हरेक मोर्चे पे मोदी सरकार फेल हो चुकी है। रोजगार, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान का पॉकेट खाली है और बैंक का खजाना खाली है और देश का एटीएम खाली है। ठीक है, चले, देश का एटीएम खाली है, मतलब देश का एटीएम जिसने खाली करा दिया उसके साथ आपने गठजोड़ कर लिया। 4 साल को कैसे गिनाएंगे जनता के बीच? देखिए, हमारी सरकार महागठबंधन की बनी थी, लेकिन जो दल हमारे साथ उस वक्त था वो सरकार चलाने में अनेक हस्तक्षेप कर रही थी और चलाने नहीं। तो संकोच कर रहे हैं आप बोलने में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो उस समय वर्तमान में हमारे महागठबंधन के साथ वो पार्टियां थी, वो अपनी मनमानी करने के लिए, क्योंकि सरकार चलाने के लिए नियम बने हुए हैं, कायदे कानून बने हुए हैं, उन कायदे कानून, मतलब आपको सरकार चलाने नहीं दे रही थी। मैं आना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी के पास, गया में कांग्रेस कहाँ खड़ी है? और सर, गया में नहीं, बिहार में कहाँ खड़े हैं आप? नहीं, आज हम दिन प्रतिदिन, हमारी कांग्रेस की स्थिति बिहार में मजबूत होती जा रही है और देश में भी हर जगह हमारा राहुल गांधी जी का मिजाज और देश को, जनता उसको एक्सेप्ट करती जा रही है। और 4 साल में मोदी जी की विफलताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, और झूठ के अलावा मोदी जी ने कुछ नहीं किया। ये लोग यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं विफलताओं की लिस्ट बहुत लंबी है और इस वजह से लोग यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं। उनके पास अब चलते हैं। अब ये बात कौन रखना चाहेगा बताइए, इधर से खड़े हो जाइए, जिससे बात हो चुकी है खड़े हो जाइए, क्या कहना चाहेंगे? जैसे भाई साहब बोल रहे थे अभी, आप भी दीदी बोले, रेणुका चौधरी जी का स्टेटमेंट कास्टिंग कॉच, मैं उनको बोलना चाहूंगा दिग्विजय सिंह का वो स्टेटमेंट 100% दिग्विजय सिंह अपने महिला नेता के, कांग्रेस को पहले अपनी भाषा सुधारनी चाहिए, उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी करना चाहिए। इनके पास ये मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट शांत हो जाइए। नहीं नहीं नहीं, आप जल्दी से। मैं पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में गया के सांसद भी है और गया टाउन के विधायक भी, क्या स्थिति है गया शहर के? आप सामने में देखे होंगे, नाली पड़ा हुआ है, विकास का कोई, अंदर हमारे पूरा पानी है, बाहर बाहर नहीं है। पता नहीं है कि मंथरवा नाला बन रहा है, अभी आपका नाला बन रहा है, आपका ये पानी भरा रहेगा, कब तक भरा रहेगा? अभी तुरंत जाम है, अभी तुरंत हुआ है, जाम हो गई है, एक गाड़ी आ गया वहाँ पे, इसलिए जाम है। बीजेपी के जनधन योजना, हाँ, मैं कुछ और लोगों के पास क्षुद्र राजनीति की, जिसको कई छोटी 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 बातों की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करके दिखलाया है वो आसमान में आज लहरा रहा है। आपको उन्होंने विश्व में जिसको कई एक दिन दिया, आपके देश के लिए जिसको के पूरे विश्व में नाम किया, एक देश के लिए जिसको कही, क्या अगर उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब आप ये बोल रहे, इधर आइए इधर आइए इधर आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? ये मोदी जी 16 मई 2014 के बने, ये युवा लोग जो ऐसे वोट अच्छा से दिए थे और 4 साल बीत गया, पढ़ने वाले लड़के लोग रोड पर उतर गए हैं और पढ़ने वाले लड़के लोग से बोला जाता है कि पकौड़े छाने। बीजेपी की ओर से पढ़ने वाले युवाओं से कहा जाता है कि पकौड़े छाने। कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी क्या राय है? खड़ी जाइए। इनके लिए मोदी जी के 4 साल को कैसे देख रही हैं? जितना हमारा अभी मान सम्मान मोदी जी बढ़ाए हैं दुनिया में, मोदी जी से हम लोग बहुत आगे देश को बढ़े हैं। हम लोग अपने मान सम्मान, आपको भी लग रहा है मान सम्मान बढ़ाए महिलाओं का? हाँ, बहुत महिलाओं का मोदी जी जो किए हैं, अच्छे मोदी जी, बहुत अच्छे मोदी जी हैं। यहाँ पर इतने सारे लोगों की भीड़ है, सिर्फ ये 2 महिलाएं, इसे इनकी आवाज को बुलंद करना बेहद जरूरी हो गया था, लेकिन यहाँ पर वो 2 महिलाएं बैठी, कह रहे हैं मोदी जी ने मान सम्मान बढ़ाए। देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात रही, मोदी जी ने युवाओं के हाथ से कलम छीन के तलवार दे दिया युवाओं को। 60 साल में आपने क्या दिया? 60 साल में हिंदुस्तान में सब कुछ हमारा दिया हुआ है, आज ट्रेन, एयरपोर्ट, रेलगाड़ी, इंटरनेट, टीवी, हमारे राजीव गांधी जी की दी, सब कुछ उन्होंने दिया है, आपके सहयोगी ने तो कुछ दिया ही नहीं। ये उनको ही तकलीफ लग रही है जो वर्तमान में सरकार से बाहर हैं, और ये 4 साल का सत्ता का ही तो लालच है ना, आपने भी लालच किया पहले उनके साथ, अब इनके साथ। हमारी बात सुन लिया जाए, वो 4 साल का हिसाब मांग रहे हैं, पहले 70 साल का हिसाब दे। जो व्यक्ति एक चांदी के चम्मच लेकर के पैदा लिया, क्या बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ेंगे इनका, भारतीय जनता पार्टी को भी ये छोड़ देंगे, और इनकी दल की स्थिति बिल्कुल, ये 0 पे आउट होने वाले हैं 2019 के चुनाव में। ये बीजेपी को भी छोड़ने वाले हैं, वो आपको खबर दे रहे हैं, बीजेपी को भी छोड़ने वाले हैं जेडीयू के लोग। भाई, इनका अपना सोच है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की गठबंधन
अटूट गठबंधन है। बीच में तो टूट गया था, बीच में टूट, धागा टूटा, गांठे बंधी, जो टूटा, लेकिन बीजेपी जदयू संभल गए और आज अच्छी सरकार बिहार में चल, अच्छी सरकार बिहार में चल रही है। फिर विरोध क्यों कर रहे हैं, सत्ता से बाहर हो गए इसलिए? अच्छी सरकार बिहार में चल रही है। इसी गया में 6 फरवरी को 8 साल की बच्ची तनु का बलात्कार करके हत्या की जाती है। यहाँ का भाजपा का सांसद, यहाँ का 7 बार का विधायक प्रेम कुमार जो अभी कृषि मंत्री है, उसके परिजन से मिलने नहीं जाते हैं। उसी दिन गया में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हैं और एयरपोर्ट पर मीटिंग करके गया से वापस चले जाते हैं। यही अच्छी सरकार चली है। लोगों के बीच चलते कौन अपनी बात बताइए। गया में तन्नू हत्याकांड होता है, नीतीश जी यहाँ एयरपोर्ट से मीटिंग करके वापस जाते हैं, क्योंकि सुनिए, क्योंकि आदित्य सचदेवा हत्याकांड जब हत्याकांड हुआ तो आदित्य सचदेवा अमीर था और तन्नू गरीब था। ठीक है, कुछ और लोगों के पास, पीछे कुछ और लोगों के पास। काट की हाड़ी और नफरत की खेती दोबारा नहीं होती। किसके लिए बोल रहे हैं? नीतीश कुमार मंच पर, नरेंद्र मोदी के मंच पर रहते हुए बोले कि नफरत से देश बटेगा, टूटेगा, तो वो किसको बोल रहे थे? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को बोल रहे थे। उन्हीं के साथ हो गए हुआ है, यहाँ पर सिर्फ हल्ला। आप अपनी राय दीजिए, आपकी क्या राय? जिसपे रोजगार पे बात होनी चाहिए। कितने युवा हैं जिनको अभी तक 4 साल में रोजगार है, रोजगार नहीं मिला है। बताइए किसके साथ है? देखिए, पेट्रोल और डीजल का दाम कम होगा, ये सवाल। ये हमेशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है पेट्रोल और डीजल का दाम। जब कांग्रेस की सरकार थी 60 रुपया था और अभी 82 रुपया हो गया है और हमेशा बढ़ते जा रहा है। और वही पेट्रोल डीजल 2014 में गिराए करते थे नरेंद्र मोदी जी। इधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, क्या है? खड़े हो जाइए, क्या कह रहे हैं? अभी मोदी सरकार अच्छी काम कर रही है और आने वाले भविष्य में भी काम करेगी। अच्छा काम करेगी मोदी सरकार, बताइए। यहाँ बीजेपी का ही सरकार है, आप बाहर में भारत देख सकते हैं बीजेपी का। बीजेपी बहुत अच्छा 2024 तक अभी किसी भी सरकार का। गया क्यूल रेलवे लाइन की दोहरीकरण, विद्युतीकरण, जो 70 साल से अटकाए हुए थे कांग्रेस के लोग, वो आज हमको मिला। कांग्रेस से जो लटकाए था वो पूरा। बिहार के युवाओं के लिए 10 विश्वविद्यालय के लिए 10-20 हजार करोड़, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 49,86,000 उज्ज्वला योजना के तहत मिला गया। गरीबों के लिए दुर्घटना भी। अच्छा काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जैसा कोई नरेंद्र मोदी जैसा कोई है ही नहीं। क्यों? वो तो आलोचना कर रहे हैं कि क्या किया चार। मैं बता रहा हूँ इस 60 साल में। आप अपनी जगह पे चले मैं आ रही हूँ। इस 60 साल में कांग्रेस ने क्या दिया ये सारे देख रहे हैं, और पार्टी ने क्या दिया? ठीक है, मैं इसी सवाल के साथ चलती हूँ। 60 सालों में कांग्रेस ने क्या दिया जो वो 4 साल का हिसाब मांग रही है? किस मुंह से आप लोग हिसाब मांग रहे हैं? 60 साल में इस भारत में आप जानती हैं, इंटरनेट हो, टेलीविजन हो, सारा कांग्रेस का दिया हुआ है। कई परियोजनाएं जो हमारी चालू हुई थी उस पे जाकर आज की डेट में ये केवल शिलान्यास और उसका उद्घाटन कर रहे हैं। बताइए प्रधानमंत्री कौन होगा और किन के? जब 4 राज्यों में आप सिमट गए हैं तो पीएम बनने का ख्वाब कैसे संजो रहे हैं? आज तक हिंदुस्तान की जनता को ये झूठ बोलते रहे और आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी अध्यक्ष होंगे। आप लोग प्रधानमंत्री के रूप में सपोर्ट करेंगे ना राहुल गांधी को? राहुल गांधी जी देश के, आप कहिए कि हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे गठबंधन की सरकार जीतेगी तो? हमारे प्रधानमंत्री हिचक है, चुने हुए होंगे, हिचक है जनता से, जनता के। राहुल गांधी के नाम पर हिचक क्यों है आप लोग? राहुल गांधी के नाम पर न मायावती के नाम पर न तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव के नाम पर हिचक है। पहले चुनाव होगी। तेजस्वी यादव भी प्रधानमंत्री की रेस में? मैडम तेजस्वी रेस में है। पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ये कह रहे हैं तेजस्वी का भी नाम गिना दिया, तेजस्वी भी रेस। इनका गठबंधन नहीं है, बेचारे निश्चित रूप से संकोच में बोल रहे हैं। इनका गठबंधन नहीं बल्कि लठबंधन है। लठबंधन है आपका? हमारा कोई लठबंधन नहीं है। जो नीतीश कुमार जी ने कहा था, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा वारिस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि वो क्या मिट्टी में मिल गए तो भाजपा में गए? जरा इसका जवाब दीजिए। जेडीयू के नेता भाषणबाजी तो बड़ा करते थे, फिर वही काम कर रहे हैं अब नीतीश का? जवाब हम आपको दे देना चाहते हैं। मिट्टी में मिल जाने की जो बात इन्होंने कही है, तो जनता की चुनी हुई सरकार वो घोटालेबाजों को संरक्षण देने के लिए नहीं था। जनता ने सरकार को बनाया था जनता के लिए काम करने के लिए, और इनके नेता ने, आरजेडी के प्रमुख ने हमको हमेशा सरकार चलाने में हमेशा आप लोगों ने इतनी दिक्कत पैदा कर दी कि उनको मजबूरी में आपसे अलग होना पड़ गया। चले कुछ और लोगों के पास, पीछे चलेंगे, पीछे अपनी अपनी जगह बैठिए, पीछे चलेंगे, पीछे। जो बोल चुका है वो नहीं, जो बोल चुका है वो नहीं। आज हमारे यहाँ
आज हमारे यहाँ अमन शांति की सरकार चल रही है। याद कीजिए, आज से 4 साल पहले पूरे देश में सिर्फ आतंकवाद ही आतंकवाद था। आज उस आतंकवाद को हमारे प्रधान नीतीश जी तो बहुत सालों से हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर जो बीजेपी के प्रतिनिधि तो आए हुए हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि ये 4 साल में एजुकेशन पे कितने IIM, कितने IIT, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं तो पूरा सवाल कुछ और लोग पीछे पीछे चलते हैं, पीछे से आप लोग बोलेंगे। बताइए, मोदी जी का 4 साल कैसा रहा? मोदी जी का 4 साल ये बहुत खराब रहा है। ये स्थिति हो गई है मोदी जी का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान सिर्फ बोलते रह गए हैं, हुआ कुछ नहीं है। बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पीएम। मैं विपक्ष को मैं बोल देना चाहता हूं कि विपक्ष 19 भूल जाए, 25 की तैयारी करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। गया यू तो सत्य शांति और मोक्ष के लिए जाने जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है, इसी वजह से लोगों के मिजाज में भी वो गर्मी महसूस की जा रही है। लोग अपनी राय यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं? 60 साल के बिगड़ा हुआ 4 साल में कितना हम लोग भाजपा वाले सुधारे मोदी जी भाई, 60 साल से बिगड़ा हुआ है और 4 साल में सुधारने के लिए कर रहे हैं RJD। ठीक है, मोदी जी का कैंसर का सर्जन है और भारत में 60 सालों का सर्जरी 4 साल में किया है और पूरा देश उनके साथ है, रहेगा आने वाला 2019 बहुमत के साथ। मोदी जी का सर्जन है, अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा है और 4 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जो योजनाएं गरीबों के लिए लाया, 1 रुपया महीना पर 2 लाख का बीमा योजना, जनधन फायदा पहुंचा रहे। चले दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ बताइए मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो मुस्लिम महिलाओं का जो सम्मान मिला, जो 3 तलाक उन्होंने बंद करवाया, जो रेप पर उन लोगों ने 2 महीने के अंदर जो कार्रवाई करवाए, उन बहुत ही जिस तरह का धर्म अच्छा काम कर रहा था। एक देखिए, एक बेटी की आवाज अच्छा काम कर रहे हैं। बताइए ये कमल का फूल लगा के क्यों आए हैं? अभी तो इलेक्शन है नहीं। सॉरी, एक्चुअली में जितने घोटाले पकड़ा रहे हैं, जितने घोटाले कांग्रेस अब माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने किए हैं, ये सारे घोटाले पकड़े जा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं ये लोग नाराज। प्रेम कुमार यहाँ सातवां बार, प्रेम कुमार यहाँ सातवां बार विधायक है। आप गया शहर की स्थिति देख लिए मैडम, क्या है बोले ना उन्होंने? मोदी जी कहे थे कि महिलाएं हम आएंगे तो महिलाएं बच्चे लड़कियां सेफ होंगी। आज के टाइम पे सबसे सुरक्षित है। मैं चाहूंगी अपने पे जगह बैठिए, मैं आ रही हूँ पीछे की तरफ आ रही हूँ। जो बीच में खड़ा होगा उसे बात है। अपनी अपनी जगह बैठिए। अपनी अपनी जगह बैठिए, मैं पीछे चलूंगी। पीछे वालों की राय। इधर आइए, दौड़ के आइए। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी के 4 साल कैसे रहे? बहुत बुरा रहा देश चलाने के लिए किसी का सरकार रहे। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए इंटर पास शिक्षक चाहिए और देश को चलाने के लिए अंगूठा छाप चाहिए। मतलब आलोचना कर रहे हैं आप मोदी जी के? खड़े हो जाइए, ये देखिए, लेकिन पीछे ये तारीफों के साथ खड़े हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं, जो अनपार्टी लोग सबके मिल रहे हैं, उनके जात से मार मिल रहा है, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक अच्छा किया। इसका फायदा मिलेगा उन्हें? मिलेगा। बताइए क्या कहना? मैं कांग्रेसी नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आजादी के लगभग 60 वर्ष आपने सत्ता में आसीन हुए, राहुल उसका घोटाला कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि 60 साल में जितना घोटाला हुआ है, 2G घोटाला, सारे घोटाले हुए, घोटाले इस सरकार में घोटाला नहीं हो रहा है, ये क्या दिखा रहे हैं आप? देखिए ये दिखाइए, 3 तलाक पर कानून बनाना, मतलब सफलता है ये मोदी? हमारे नरेंद्र मोदी को लोग कहते थे अल्पसंख्यक विरोधी है, लेकिन जब हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 3 तलाक पर कानून बनाने की कोशिश किए तो सारे लोग उनका विरोध कर रहे हैं, कानून बनाने नहीं दे रहे हैं। कानून बनाने नहीं दे रहे हैं, आगे चलेंगे। अपनी जगह बैठिए, जगह दीजिए। इधर के लोगों उसकी राय बताइए। नरेंद्र मोदी ने 4 साल में 110 नई प्रोग्राम शुरू किया, 12 रुपया में बीमा सुरक्षा योजना, मुद्रा बैंक योजना, अल्पसंख्यकों के लिए मरकज योजना, सफाई के नाम पे लूट हुआ है, और इतना चमचमाता हुआ सफेद कपड़ा पहने कह रहे हैं हर जगह लूट ही लूट। अरे जो है कि ये प्रशासन फेल है। नेताजी हैं आप? नहीं, 2 करोड़ नौकरी कहा गया मोदी सरकार से, हम पूछना चाहते हैं 2019 में इसी 2019 में इसी मोक्ष की धरती पे नरेंद्र मोदी का पिंड नाच गा रहे हैं। इस तरह के भाषण। आइए खड़े जाइए, क्या बोल रहे हैं मैडम? शांति नहीं, आप शांति मत कराइए, आप अपनी बात रखिए, समय कम है। 4 साल में बहुत अच्छा विकास मोदी जी ने किया है,
वो किया है क्या, बलात्कारों का विकास, भ्रष्टाचारों का विकास, बैंक लुटारे का विकास। जाकर के नीरव मोदी के साथ वहां मीटिंग करते हैं, लंदन और पेरिस घूम रहे हैं, दबोस में कहते हैं 600 करोड़ जनता पर। मतलब आप भी नेता जी हैं, अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, पब्लिक है, पब्लिक चले चले। मोदी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अगला 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, बताइए जल्दी से जल्दी हुआ 4 साल में, और मोदी हमेशा देश में घूमते हैं, विदेश में घूमते हैं। देखिए गया का मिजाज इस वक्त गर्म हो चला है लोगों से। अब सीधा सा सवाल हमारा होगा, 2019 कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन जीतेगा? कांग्रेस परिवार जीतेगा। कौन 2019 कौन? बीजेपी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन जीतेगा? कौन जीतेगा 2019 में? मोदी जी को हारना है। कौन बनाएगी कांग्रेस पार्टी? कौन जीतेगा? कांग्रेस। कांग्रेस कौन जीतेगा? मोदी मुर्दाबाद। कौन जीतेगा 2019? मोदी हारेंगे, जनता जीतेगी। कौन जीतेगा? जिंदाबाद। दूसरी तरफ 2019 कौन जीतेगा? 2019 कौन जीतेगा? सरकार ने 19 कौन जीतेगा? क्या 19? 2019 कौन जीतेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। 2019 राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन जीतेगा? नरेंद्र मोदी। ठीक है कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? नरेंद्र मोदी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? मोदी जीतेंगे। चार बरस में कितना कदम पैदा लिया आज तक? एक एक करके 2019 कौन? नरेंद्र मोदी जी। आपके लिए बहुत सारा पीछे 2019 कौन? कांग्रेस। राहुल गांधी 2019 कौन? बीजेपी। नरेंद्र मोदी। 2019 कौन? राहुल गांधी जी। 2019 कौन? राहुल गांधी। 2019 कौन? भारतीय जनता पार्टी जी। ठीक है 2019 देखिए अपनी अपनी राय है, यहाँ पर जगह दीजिए, जाने दीजिए। देखिए यहाँ पर अपनी अपनी राय अपने बताइए 2019 कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। और हम ये माइक छोड़िए बताइए, पूछना चाहते हैं कि हर राज्य में चुनाव हार रही है कांग्रेस, क्या कर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी? आराम से कौन जीत? हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। मोदी कौन जीतेगा बताइए? मोदी का झूठा पार्टी है। 2019 में बिहार से नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी। देखिए ये यहाँ के लोगों का मिजाज है। गया में मैं कहूँगी आगे से हट जाइए। लेकिन बिहार के गया में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी के पक्ष में यहाँ पर दावे कर रहे हैं। यहाँ पर सियासी मिजाज इन लोगों के शोर शराबे के बीच आपको समझ में तो आ गया होगा। फिलहाल आज गया से बस इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी मुजफ्फरपुर में ठीक शाम 7 बजे एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।